हाई गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम ज्योति। जैसे आपको पता है, बंजारा माँ का डिमोलाइज हो गया है। आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, न्यू लोकेशन का पता मैंने बताया है उसमें, और कुछ लोग मैसेज भी कर रहे थे कि स्टिल बंजारा माँ का इज़ देयर और नॉट। 15 मई को मेरे एक फ्रेंड गए थे और वहाँ पे बंजारा मार्केट लगा हुआ था। ये सर्विस लाइन पे उन्होंने अपना स्टॉक लगा रखा था। वहाँ बहुत ही अच्छा सेल लगा हुआ है, बहुत अच्छे रेट में वो अपना प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं। अब बंजारा मार्केट जाने की सोच रहे हो तो प्लीज़ इवनिंग में जाना, फर्स्ट हाफ में कोई नहीं मिलता है वहाँ पर। टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि मेरा लेटेस्ट बंजारा मार्केट हॉल है और ये सारे प्रोडक्ट मैंने ह्यूज सेल में लिया है। इतनी सस्ती शॉपिंग मैंने फर्स्ट टाइम की है। मुझे इस टाइम कुछ ज़्यादा बार्गिंग नहीं करना पड़ रहा था, जितना मैं बोल रही थी वो तुरंत मान जा रहे थे, और कभी कभी वो जो कोट्स कर रहे थे मैं तुरंत ले ले रही थी। चलिए देखते हैं क्या क्या मैंने लिया और कितने में लिया। बंजारा मार्केट में मेटल के प्रोडक्ट बहुत अच्छे मिल जाते हैं। मैंने वहाँ से ये मेटल का प्लांटर लिया। इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और इसमें सेल्फ डिज़ाइन भी बना हुआ था। इसमें साइजेस एंड कलर्स के भी ऑप्शंस थे। मार्केट एक्सप्लोर करने की वजह से गोल्डन वाले सारे निकल चुके थे, इसलिए मुझे सिल्वर लेना पड़ा। उन्होंने इस प्लांटर का कॉस्ट 500 पर पीस कोट्स किया था, बट बार्गेनिंग के बाद उन्होंने मुझे 100 रुपीज़ पर पीस और बड़े वाले 200 में दिए। मीन्स ये 4 पीसेस का मैंने टोटल 500 पे किया। मेरा नेक्स्ट परचेज है ये सेरेमिक पॉट। वहाँ सेरेमिक का प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा था, वहाँ क्रॉकरीज बहुत अच्छे मिल रहे थे, पर मुझे ट्रैवल करना था, मैं ज़्यादा सेरेमिक के प्रोडक्ट्स ला नहीं सकती थी, इसलिए मैंने सिर्फ ये प्लांटर्स ही लिए। जो इसकी क्वालिटी आप देख सकते हो कितनी अच्छी है, सारे प्रिंट्स अच्छे हैं इसके। मुझे इस टाइम कुछ ज़्यादा बार्गेनिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। वो सारे लोग बहुत परेशान थे और कभी कभी ऐसा होता था कि वो जो कोट्स करते थे मैं तुरंत रेडी हो जाती थी लेने के लिए। मुझे उन्होंने ये 6 पॉट का कॉस्ट 110 बोला था, मैंने 110 में ही ले लिया। मुझे ये प्लांट इतने अच्छे लग रहे थे कि मैं तुरंत इसमें प्लांटिंग करके मैंने अपने सूर्य पे रख दिया है, और ये कितने अच्छे लग रहे हैं आप देख सकते हो। मेरा नेक्स्ट परचेज है ये वुडन ट्रे। आप इसे सर्विंग ट्रे की तरह भी यूज़ कर सकते हो। मैंने ये ट्रे 2 डिज़ाइन में लिया है। इसकी डिटेलिंग एंड फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है, आप देख सकते हो। कुछ रेस्टोरेंट के ऑनर्स वहाँ पे इसे बल्क में परचेज कर रहे थे, वो अपने रेस्टोरेंट में यूज़ करना चाह रहे हों। ये वुडन ट्रे का उन्होंने कॉस्ट मुझे 300 कोट्स किया था, पर आफ्टर डिस्काउंट ये 100 रुपीज़ पर पीस मिला मुझे। आप इस ट्रे को कुछ इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। मैंने सेंटर टेबल पे मैंने कुछ डेकोरेटेड पीसेस की तरह यूज़ किया है। नेक्स्ट ये टी लाइट होल्डर जो मेटल का है, आप इसका फिनिशिंग देख सकते हो। मेरे पास ये इस टाइप का सेम होम सेंटर से मैंने लिया था। इसकी क्वालिटी और उसकी क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है कुछ। इसका कोर्स उन्होंने 200 ईच किया था, बट आफ्टर डिस्काउंट 150 में वो पेयर दे दिए। इसे डेकोरेट करने के लिए मुझे दिवाली का वेट नहीं करना था, इसलिए मैंने इसे एज अ शो पीस मैं इसे डेकोरेट की हूँ, जिसे आप देख सकते हो। ये मेटल के प्लांटर सेट बहुत ही ट्रेंड में है। ये 2 के सेट में आते हैं, 3 के सेट में आते हैं। वहाँ पर इस टाइप के प्लांटर सेट बहुत देखने को मिल रहे थे, और ये मैं बहुत दिन से सोच रही थी परचेज़ करने को ऑनलाइन। इसके कॉस्ट 4500 आ रहे थे, बहुत एक्सपेंसिव था, और मुझे ये बंजारा मार्केट में ओनली 1500 का मिला। ये सबसे बड़े साइज़ में है, बड़ा वाला प्लांटर्स 8 इंचज़ का है एंड छोटा वाला 6 इंचज़ का है। फ्रेंड्स, वहाँ पे रग्स, कारपेट एंड कुशन कवर की काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। मैंने ये जूट कारपेट लिया है जो 3x4 फीट का है, काफ़ी बड़ा है। उन्होंने 800 कोट्स किया था, पर मुझे आफ्टर बार्गेनिंग वो 200 में दे दिए। मेरा नेक्स्ट परचेज है ये कैंडल लाइट होल्डर। ये मेटल का है और काफ़ी हेवी है, एंटिक गोल्ड फिनिशिंग में है। ये कहीं कहीं से इसका पेंट निकला हुआ है, और वो फिर से पेंट करके नहीं दे रहे थे उस टाइम, और उन्होंने इसका कोट्स 800 किया था, पर डिस्काउंट के बाद ये 200 में मुझे दी। नेक्स्ट परचेज है मेरे यहाँ वुडन फ्रेम जो मैंने 5 के सेट में लिया है। ये उन्होंने ये एक पीस का 200 बोला था, पर मैंने 100 रुपीज़ ईच लिया है। मीन्स 500 का मुझे ये 5 पीसेस मिला, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। आप जिस कलर में बोलो वो पेंट करके दे दे रहे थे यहाँ पर,
मैंने वाइट एंड ब्लू अपने इंटीरियर के अकॉर्डिंग इसको पेंट करवा के लिया है और मैं किस तरह से इसको डेकोरेट की हूँ आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। मेरा नेक्स्ट परचेस है ये वॉल हैंगिंग। इस टाइप की वॉल हैंगिंग्स वहाँ पे बहुत सारे थे, उसका स्टार्टिंग कॉस्ट 800 to 3500 था और इन्होंने मुझे ये 800 कोट्स किया था विथ मिरर। वो मिरर लगा के देते हैं पर मुझे ट्रैवलिंग करनी थी इसलिए मैंने मिरर नहीं लगवाया। आफ्टर डिस्काउंट वो मुझे 200 में दिए विदाउट मिरर। अब मैं इसे मिरर लगा के अपने बेड के वॉल पे लगाऊंगी या तो सोफ़ा के वॉल पे लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है। होम सेंटर में इसका कॉस्ट 3000 था। ये मेटल का बाउल है, ये मुझे 50 rupees में मिला। पता नहीं मैं क्यों ली हूँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे ले जाओ मेरे से भी कुछ, मेरे से भी कुछ ले जाओ, इसलिए मैंने ले लिया। बंजारा मार्केट का लेटेस्ट सिचुएशंस आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, उसमें मैंने न्यू लोकेशन भी बताया है और कितने दिन रहेगा वहाँ बंजारा मार्केट ये भी बताया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो गाइज ये रहा मेरा और बंजारा मार्केट का हॉल। आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय।